दहशत गर्दों से नहीं डरते, सरेंडर नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम हर कीमत पर लड़ेंगे, ये हमारा घर है, इसे हम अपने तरीके से चलाएंगे। जो समझते हैं कि हमारे हौसले पस्त होंगे वो अपनी गलती दुरुस्त कर लें। जंगे फर्द वाहिद नहीं कौमें लड़ा करती हैं। हम ना शुहदा को भूलेंगे ना ही उनकी कुर्बानियों को भूलेंगे। बारी नजर में तोशाखाना केस के फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया गया। बारी नजर में एक ही दिन में फैसला दिया गया जो दुरुस्त नहीं था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इस केस में मुदाखलत नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, हम परसों इस केस को समाअत के लिए रख लेते हैं। चौधरी परवेज इलाही के वजीर अला बनते ही मोनिस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। मोनिस इलाही ने अपने फ्रंट मैनों अजमत हयात और सुहेल असर के जरिए ठेकों की मद में किक बैक्स लिए। मोनिस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरियां पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही ने जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा करवाई। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए शख्स को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर जस्टिस चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले मुतला करने का फैसला खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी सतह पर था जिसमें गिरफ्तार नहीं हो सकती। उधर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि फैसलों से तासुर मिल रहा है कि आज भी नवाज शरीफ की कबूलियत नहीं, जब किरदार इकबाल जुर्म कर लें तो इदारों से फैसले आने चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कराची में स्ट्रीट क्राइम पर सख्त नोटिस किया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कराची के मसाइल पर बातचीत हुई। कराची में लोड शेडिंग और बिजली के बिलों पर अपना मौकिफ सामने रखा। कामरान किशोरी का मजीद कहना था कि हम शहर कराची में किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे। और दरियाए सतलुज भी भर गया, 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला बूरेवाला के हदूद में दाखिल। 113 से ज्यादा देहात मुतासर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और सड़कें तबाह। जिले इंतजामिया की जानिब से 13 इमदादी कैंप्स कायम, इलाका मकीनों का कैंप्स में सहूलियात न होने का शिकवा। उधर भका पतन पुल पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी के घेराव में आ गई। 50 से ज्यादा आबादियों को जमीनी रब्ता मुनकता। भावनगर, चिश्तियाँ और मिंचन आबाद शरीफ मुतासर, शहरियों के इंखला का सिलसिला तेज़।